ऐसे गुंडों को जब तक सख्त सजा नहीं हो। गूंगे बहरे अंधे सब लोग वहां थे, अगर वास्तविकता में वहां इंसान होते तो जितने समय तक उसने उस बच्चे के साथ अन्याय किया, उस गुंडे को, उस अपराधी को वहीं उसके हाथ पैर तोड़ देते। अब परिवार की एकमात्र मांग ये है कि उसको फांसी की सजा ये होना ही चाहिए, जिससे कि अपराधियों में डर पैदा हो। सर, आपकी सुरक्षा में कोई है, कोई आदमी? नहीं सर, कोई नहीं। सरकार का जो मुआवजा सरकार ने ऐलान किया है, क्या वो मुआवजा कब मिलेगा? क्या वो कागजों में रह जाएगा? मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे कि वो इनको एक सरकारी आवास और एक सरकारी नौकरी दें और इस परिवार के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करे दिल्ली पुलिस। शराब की बात नहीं है, यहाँ पे अन्य मादक पदार्थ भी घर घरों में बिकते हैं, बिना पुलिस के सहयोग के नहीं बिक सकते हैं सर। क्या दिल्ली पुलिस दोषी नहीं है जिस तरीके का नशे का प्रचलन? क्यों नहीं दोषी है? नमस्कार, मैं शिखा अभी शाहबाज डेयरी में मौजूद हूँ। अगर मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये दिल्ली पुलिस की गाड़ी यहाँ पे मौजूद है और ये चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के चीफ यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे आपको तमाम लोग भीम आर्मी के यहाँ पे दिख रहे होंगे। हम जो है यहाँ पे शाहबाज डेयरी में पीड़ित के पिता से मिलने के लिए आए, पीड़िता के पिता से वो मिलने के लिए आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, और हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं वो पीड़ित के पिता को। लेकिन आप अगर देखेंगे तस्वीर तो यहाँ से दूर दूर तक भीम आर्मी के लोग आपको दिखाई देंगे। हालांकि ये रहे चीफ जो हैं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी, ये रहे गाड़ी में बैठे हुए और हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये जो हैं पीड़िता के पिता यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार यहाँ पे तमाम लोग आ रहे हैं, जैसे कि हिंदू परिषद के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, भाजपा से लेके सारे लोग, केजरीवाल तक ने ट्वीट किया है और हम इनसे बातचीत करेंगे। तो ये चल रहे हैं अभी परिवार से मिलने के लिए। देखिए तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तमाम लोग भीम आर्मी के यहाँ पे मौजूद हैं और ये जा रहे हैं पीड़िता के पिता से मिलने के लिए, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। किस प्रकार से यहाँ पे चंद्रशेखर रावल है और इन्होंने अपनी जो है पीड़िता के परिवार के साथ रहने की बात कही है और अभी भी ये यहीं पे मौजूद हैं। ये देखिए यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो आ रहे हैं और उनके पीछे जो हैं घर से निकलते हुए आप देख पा रहे होंगे चंद्रशेखर आजाद जी को। वो अभी बातचीत करेंगे मीडिया के पास, अपनी बात रखेंगे मीडिया के सामने। उन्होंने अभी पीड़िता के माता और पिता से बात कर लिया है और अभी वो बाहर आ रहे हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैं जब यहाँ आया, इस क्षेत्र को देख के लगता है कि यहाँ जानवर रहते हैं, इंसान नहीं रहते। और अगर आप इनका घर और हालात देखोगे, यहाँ के आसपास के लोग, पक्की छतें नहीं है लोगों के पास, दिल्ली है देश की राजधानी और हालात क्या है ये आपको बताना जरूरी है। जो घटना हुई वो कितनी डरावनी है, इसके विजुअल्स आप लोगों ने देखे, हम लोगों ने भी देखे। जब तक उसके अंदर जान थी तब तक वो गुंडा चाकुओं से उस पर हमला करता रहा, और जब वो उसकी जान भी निकल गई तो उसने पत्थर से उसको कुचल कुचल के मार दिया। जब मैंने इनके पिताजी से बात हुई, मेरी इनकी पहले भी बात हुई थी, उसकी आंतें तक बाहर निकल आई, वो मौके पे मर गई। इतना हीनियस था सब कुछ। हमारी सबकी, मीडिया की, आम जनता की, राजनीतिक दलों की, सबकी ये मांग होनी चाहिए कि उसे सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन जब तक हम परिवार को नहीं सुनेंगे, परिवार से जानने का प्रयास नहीं करेंगे उनके ऊपर क्या बीत रही है, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये इतनी बड़ी घटना हुई, उससे पहले भी कई बार उस बच्ची को उसने डराने का काम किया, विरोध करने पे इनके पिताजी को जान से मारने की धमकी दी। देश की राजधानी है, गृहमंत्री जी का शासन है, पुलिस की क्या व्यवस्था है, पुलिस क्या कर सकती थी, आप बेहतर जानते हैं क्या नहीं हुआ, कहाँ गलती रही। अगर कोई सरफिरा यहाँ किसी बच्चे के साथ ऐसा कर देता है तो आप समझिए दिल्ली में बेटियाँ कितनी सुरक्षित हैं। ये होना चाहिए था कि इस परिवार को, क्योंकि कल रात में 2 बजे भी इनके साथ ताका झांकी हुई, कोई यहाँ झांक रहा था, कोई इनकी रेकी कर रहा था, लगातार रेकी इनकी जारी है। मैं जब पिछली बार रात में चुपचाप आया, क्योंकि मीडिया के लोग पूरा भोकाल वोकाल मचा के रखते हैं, कहाँ थे, क्या हुआ, ये है वो है, तो उस रात मुझे पता लगा कि ये यहाँ पर नहीं है। फिर मेरी इनसे फ़ोन पे बात हुई, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग इनसे
तमाम तरह के सवाल कर रहे थे। ये क्योंकि आम कॉमन आदमी है, इनको सिर्फ रोटी रोजगार अपना परिवार इसी से मतलब है, अपने गांव को उससे ये थोड़ा घबरा गए और यहाँ से दूर हट गए। फिर ये वापस लौटे, जैसे वापस लौटे हमारी यूनिट यहाँ लगी हुई थी, तत्काल हमारे लोग आए, हमने फिर इनसे वार्ता की और हम इंतज़ार कर रहे थे कि बहुत सारी जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उनके बारे में हमें जानकारी मिल जाए, क्योंकि हमने यहाँ के अधिकारियों से बात की थी कि भाई इसमें और कितने लोग हैं, क्या अकेले आदमी ने इतना साहस किया है, उसके और भी सहयोगी थे, अगर सहयोगी थे तो उनको क्या खोजा गया है, क्या उसको रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की गई है, ऐसी कोई भी जानकारी हमें नहीं मिली। अब परिवार की एकमात्र मांग ये है कि उसको फांसी की सज़ा, हीनियस क्राइम है, सरकार फास्ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के उसको फांसी की सज़ा करे। ये न्याय के प्रति ये होना ही चाहिए, जिससे कि अपराधियों में डर पैदा हो। आज के अपराधियों में डर खत्म हो गया, ये पहला मामला नहीं है, चाहे हमें याद हो निर्भया का मामला, चाहे हमें नागल का मामला याद हो जो नागल में 9 साल की बच्ची के साथ हो, चाहे ये वाला मामला याद हो, इन सब मामलों में जितना अपराध किया जा सकता था उससे भी ज़्यादा अपराध करने का प्रयास किया गया। अच्छा है कि पुलिस ने उसको त्वरित गिरफ्तार किया, भीम आर्मी के लोग भी उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे कि वो मिल जाए, लेकिन वो हमसे पहले पुलिस के लोगों को मिल गया, अदरवाइज हम अपने आप जानकारी हासिल करने का प्रयास करते कि उसके साथ और कौन कौन लोग शामिल थे। अब हमारी कई और मांगे हैं, जो हालात हमने आगे देखे, क्या न्याय एक दिन में मिल जाएगा आप और मैं सोच लें, या एक महीने में मिल जाएगा, ये भी संभव नहीं है। तो न्याय मिलेगा कब? न्याय मिलेगा जब कोर्ट में एक अच्छा बेहतर वकील खड़ा होकर इस केस को लड़ेगा, जो गवाह हैं इस मामले के वो जिम्मेदारी ईमानदारी से गवाही देंगे, उनके ऊपर डर नहीं होगा और परिवार सुरक्षित रहेगा, वो इस हौसले में रहेगा कि वो खड़ा होकर इस लड़ाई को लड़ सके। मैं समझता हूँ जैसा उनका घर है और जिनके हालात हैं, मुझे तो लगता नहीं उनकी पत्नी बीमार है वो इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। इसलिए सरकार से हम कई मांगे करते, सरकार ने कुछ मांगों की बात भी की है, लेकिन वो भी धरातल पर तो नहीं आई कि हम इनको इतना मुआवजा दे रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ प्राथमिकता के तौर पर कि सबसे पहले अगर सरकार वास्तविकता में इनके साथ खड़ी है, केंद्र की भी और यहाँ की प्रदेश की भी। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं तो सहारनपुर से आता हूँ, मैं अपनी पार्टी का अकेला आदमी जिसको सारे देश में घूम घूम कर लड़ाई लड़नी पड़ती है, मैंने बीच में आने का प्रयास किया तो ये नहीं थे यहाँ, फिर मेरे इनके फ़ोन पर बात होगी, हमने कहा कि एक समय बना के हम लोग आएंगे चुपचाप आपकी पूरी लड़ाई की जानकारी करके इसको लड़ेंगे, लीगल की तरफ से हमारे लोग इसको लड़ेंगे इस केस को पूरे, कि उससे फांसी से भी कोई कठोर सजा हो तो हम लीगल के जरिए साबित करके उसको सजा दिलाएं। लेकिन प्राथमिकता के तौर पे सरकार को ये करना चाहिए कि परिवार सुरक्षित रहेगा और न्याय के लिए इनके साथ खड़े हैं तो इनको एक घर जो है सरकार को देना चाहिए, जिस घर में ये कम से कम ऐसी छत तो हो कि जिसके अंदर ये चैन से पड़ के सो जाएं और एक सुरक्षा का माहौल। दिल्ली पुलिस को चाहिए था कि इनको सुरक्षा का माहौल देती, लेकिन मुझे तो नहीं लगता इनकी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा में कोई है कोई आदमी? नहीं सर, कोई नहीं है। जो परिवार के लोग हैं जिनके साथ अपराध हुआ, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, पुलिस की है, हम तो कर लेंगे भीम आर्मी के लोग, लेकिन पुलिस को करनी चाहिए थी ना। 2 दिन में ही खत्म हो गया नाटक, 6 दिन में ही नाटक खत्म, उसके बाद आज तक पुलिस को नहीं सूझी कि वो अपराधी अपनी जान बचाने के लिए, अभी ये भी जानकारी में पुख्ता नहीं है कि उसने पहले भी एक हत्या की है, उसने नाबालिग रहते एक व्यक्ति को गोली मारी थी, वो जेल में रह के आया, वो आदि है अपराध का। आज यहाँ बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है दिल्ली में, लेकिन ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय ऐसे अपराधियों का थानों में स्वागत होता है दिल्ली में। और अपराधियों के पक्ष में आप देखो कितने भी पिछले कई सालों का ट्रेंड है, अपराधियों के पक्ष में पंचायतें हो रही हैं, यात्रा निकल रही है। ऐसे गुंडों को जब तक सख्त सजा नहीं होगी, चाहे वो फांसी हो या उससे भी बड़ी, मुझे मेरी लड़ाई उनके परिवार से नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ कि उनको ऐसी सजा मिले कि कोई परिवार दोबारा किसी परिवार में ऐसा बदमाश ऐसा गुनहगार जन्म ना ले, ऐसी सजा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन इस परिवार का क्या होगा, इनकी एक बच्ची एक बेटा है, वो 12 साल का है, बेटी इन्होंने पाली, मैंने इनसे पूछा इन्होंने अपना पेट काट काट के उसको पढ़ाया, गरीब के पास क्या है शिक्षा के अलावा, उनको उम्मीद थी कि ये पढ़ लिख के वो भी वकील बनना चाहती थी, प्रदेश में देश में अपना योगदान देना चाहती थी, इस परिवार को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती थी, अपने पिता की आवाज़ बनना चाहती थी, आज इनके हाथ में क्या आया? तो सरकार का जो मुआवजा सरकार ने ऐलान किया है, क्या वो मुआवजा कब मिलेगा, क्या वो कागजों में रह जाएगा, क्या ये परिवार गुमनामी के अंधेरे में चल जाएगा, क्या इसको भूल जाएंगे लोग? तो मेरी ये मांग है सबसे पहले इनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो और इसको इस माहौल से निकाला जाए। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमने सबको आवास दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री कहे कच्ची कॉलोनी पक्की हो गई, कौन सी कॉलोनी पक्की होगी जरा हमें भी दिखा दो, हमारा परिवार तो यहाँ कहाँ रह रहा है, ये जानवर भी नहीं रहते इस बाड़े में जहाँ रह रहा है, वो सर लगता है ऊपर, सर नाला ही है, सर लगता है ऊपर छत पे, और वो तप रही है, वो छत नहीं है, एक वो टीन डली हुई है, वो तप रही है,
उसकी माँ के हालात देखो क्या है, पीने को साफ पानी नहीं, खाने को रोटी, कैसे मिलेगा न्याय, कैसे लड़ेंगे? तो सरकारों की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, क्योंकि उनके हाथ में ताकत है। ये परिवार खड़ा कैसे रहेगा? बेलदारी का काम करते हैं, मालिक नहीं देगा रोजगार, जब पता लग जाएगा भाई इस साथ ना अपराध हो गया है, लोग इसके आसपास घूमेंगे, तो सरकार इसको एक सरकारी नौकरी इस परिवार को दे, चाहे इनकी पत्नी को दे चाहे इन्हें दे, जिससे परिवार अपने पैर पकड़ो। न्याय देना है तो न्याय की आवाज़ को, न्याय के चरित्र को मजबूत करना पड़ेगा ना, ये होगा न्याय कि ये अपने पैरों पर खड़े हो, अपनी बेटी के लिए न्याय के लिए लड़े, जैसे निर्भया की माँ लड़ी, जैसे हाथरस का परिवार लड़ा, ये भी लड़े। और ये जाए एक मिनट, इनको सरकार की तरफ से जो इनके पास ताकत है, सरकार इनको एक सरकारी नौकरी दे, इनको एक DDA का आवास दे, सबके लिए है ना आवास। जब गरीबों को नहीं मिलेगा, जो जरूरतमंद है उनको नहीं मिलेगा, जो लाभार्थी असली लाभार्थी उनको नहीं मिलेगा, तो ये किसके लिए? ठेकेदारों के लिए आवास? तो इनको एक आवास दें। अगर वो ऐसा नहीं करते, दुख इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री भी यहीं रहते हैं, गृहमंत्री भी रहते हैं, उनके बड़े बड़े नेता भी यहीं रहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी यहीं रहते हैं, लेकिन एक बार उनको इस परिवार की सुध लेने की नहीं लगी, मुख्यमंत्री जी को समय नहीं लगा। अब मैं आ गया हूं तो कहीं और लोग आएंगे आके इस परिवार के आंसू पूछने की बात की। यही होता है दिल्ली में, चाहे वो नागल का मामला हो, चाहे और कोई मामला हो, जब मैं आ जाता हूं फिर सब लोग आते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा संगठन यहाँ काम करता है, हिमांशु जी, रविंद्र भाटी जी, हमारे महेश परिवार, नरेंद्र, बिकुराम जैन साहब, ये हमारे लोग हर मामले को लड़ते हैं, मैं तो आके चला जाऊँगा, लेकिन इस परिवार को न्याय कैसे मिलेगा ये तय करेंगे। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं, लीगल साल के हमारे जो इंचार्ज हैं MS आर्या जी, वो इस केस को लड़ेंगे, और हम उसको फांसी से भी सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी जो हमारी मांग है उसको भी हम एनालिसिस करेंगे, उस पर हो रहा है नहीं हो रहा है काम, हम एविडेंस के साथ टेम्परिंग ना हो इसलिए उसकी बेल को भी अपोज करने के लिए खड़े होंगे, और उसके जो सहयोगी साथी जिन्होंने इसमें उसका हाथ बटाया, हम प्रयास करेंगे कि इसकी जाँच हो, उसको रिमांड पर लेके इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जिससे कि उसके आरोपी साथी ना बचे। हम प्रयास करेंगे ये व्यक्ति अपने ये परिवार अपने पैरों पर खड़ा रहे, इसलिए हम मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे कि वो इनको एक सरकारी आवास और एक सरकारी नौकरी दें, और इस परिवार के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करे दिल्ली पुलिस। तो इसके लिए हम जल्द मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, और यहाँ के जो और नेता हैं केंद्र के मंत्री, उनके आवासों का भी घेराव करेंगे। हम अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिनका पॉलिटिकल टूरिज्म होना था उनका हो गया है, और हमने हर केस में ऐसा ही देखा। आपको याद है हाथरस के मामले में कौन गया? एक महीने के बाद कभी किसी ने नहीं पूछा। जब मैं एक साल बाद उनके परिवार के पास गया तो मैंने देखा एक एक फुट के गड्ढे और कूड़ा चढ़ा दिया उनके मकान तक। एक रात रुक के मैंने और हिमांशु जी ने वो हटवाया। हम लगातार लड़ते रहते हैं, और हमारा एक काम, हम अपने काम को करते रहेंगे और हम अपने ड्यूटी को अदा करेंगे, और हम इनके साथ खड़े हैं, कानून की लड़ाई लड़ने में भी, इनकी रक्षा सुरक्षा के लिए भी, और इनकी जो इनको वास्तविकता में अधिकार मिलने चाहिए बुनियादी, चाहे वो आवास हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे इस परिवार सुरक्षा, उसके लिए भी हम लोग लड़ेंगे। सड़क पर ही हमारी जिम्मेदारी। चंद्रशेखर, क्या सरकार किसी घोषणाएं करने के लिए रह गई है? दिल्ली सरकार ने घोषणा करी 10 लाख रुपए की, लेकिन धरातल पर अभी वो लाभार्थी नहीं हुए हैं। देखो मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले सरकार को ये देखना चाहिए कि परिवार किस दयनीय स्थिति में है, तो इस परिवार की के आंसू पूछने चाहिए, तो वो तो नहीं हुआ। घोषणा की है, घोषणा कब मिलेगी जानो? मैं आज अब आ गया हूँ ना, तो अब वो जल्दबाजी करके दिखाएंगे, हम बहुत ही तेज हैं। देखो इनके वोट लेने के लिए सब लोग आ जाएंगे, एक सेकंड, इनके वोट लेने सब लोग आ जाएंगे, लेकिन इनके न्याय लड़ने के लिए, इनको पता है कि इनकी न्याय लड़ने के लिए, इनके साथ खड़े रहने के लिए चंद्रशेखर आजाद दिया है, ये भी इस बात को जानते हैं और सरकार भी इस बात को जानती है। अब मैं आ गया हूँ लड़ने, तो अब सरकार अपनी बात को आगे बढ़ाएगी, लेकिन हम छीन के लेंगे, हमें पता है सरकार देगी नहीं आसान, हम छीन के लेंगे। अब बताओ क्या चंद्रशेखर, आपने पीड़िता के परिवार को क्या कुछ आश्वासन दिया? मैंने उनको ये विश्वास दिलाया कि वो अपने आप को अकेला ना समझे, ये जिस क्षेत्र से हैं वहाँ भी इनके परिवार के पास हमारी टीम गई है, इनसे आप पूछ लिए बता देंगे, इनके घर पे भी हमारी टीम गई है। हमने जब बीच में इधर डिस्टर्ब हुए तो हमने इनको खोजा भी, हम लगातार इनके टच में हैं, और मैंने इनको आश्वासन दिया कि जो मांग है इनकी, सिर्फ इनकी एक ही मांग है, इनकी कोई मांग नहीं, इनको कोई लालच नहीं है कि उसको फांसी की सजा हो, और हमारी ये मांग है कि फांसी की सजा तो हो, उसके साथ साथ ये परिवार भी अपने पैरों पर खड़ा, क्योंकि एट द लास्ट न्याय की लड़ाई लड़नी है ना, न्याय तो एक दिन में नहीं मिलेगा, उसके लिए समय लगेगा, न्यायिक प्रक्रिया में समय लगेगा। तो इसलिए हमने और मांगे, ये समाज की तरफ से हमारी तरफ से हैं, बाकी परिवार की एक मांग है कि उसको फांसी की सजा हो। उनकी उन्होंने एक बच्ची थी, पेट काट के पाली बड़ी की, आज वो इस दुनिया में नहीं है, इनके सपने खत्म हो गए। चंद्रशेखर, महिला पहलवानों के धरने पे तमाम लोग आए, इस केस में नशे को भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नशेबाज बहुत है, तो इस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, नशे को यहाँ पे कैसे कंट्रोल किया जाए? देखो जब यहाँ की सरकारें खूब दुकानें खोलेगी गली गली में शराबों की, तो कैसे नशा मुक्त हो जाएगा? और स्कीम देंगे, देखो दूध के साथ स्कीम नहीं देंगे, शराब के साथ स्कीम देंगे,
मेरे, चलो ठीक है तुम्हें राजस्व वगैरह चाहिए, तुम्हें लोगों को जो है तुम्हें ये पता लोगों की जिंदगी से क्या नुकसान होगा, आप जानते हो शराब से नुकसान, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि नशे पे सरकार क्या काम कर रही है, पुलिस क्या काम कर रही है भाई, ये ताकत अगर हम किसी को पकड़ लाएं, सोचो उस अपराधी को हम ही पकड़ लेते, अगर हमारे लोग उसको पीट देते या नुकसान पहुंचाते तो हमारे लोग खिलाफ मुकदमा हो जाता। अब इस बार सोचो ये काम पुलिस का है ना, पुलिस क्यों नहीं कर रही इस काम को, हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे कि नशा मुक्ति के दिल्ली में नशे से लोग मुक्त हों, इसके लिए भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे। खाली शराब की बात नहीं है, यहाँ पे अन्य मादक पदार्थ भी घर घरों में बिकते हैं, बिना पुलिस के सहयोग के नहीं बिक सकते हैं सर, बिना सरकार के सहयोग के नहीं बिक सकते। जहाँ हत्या हुई वहाँ बताया जाता है कि जमघट लगता है रात को, 100 लड़कों का जमघट, वहाँ सब लोग नशा सेवन, वहाँ सब लोग जो है ना लेकर गांजे से लेकर हर चीज का सेवन किया जाता है, गूंगे बहरे अंधे सब लोग वहाँ थे, अगर वास्तविकता में वहाँ इंसान होते तो जितने समय तक उसने उस बच्चे के साथ अन्याय किया, उस गुंडे को, उस अपराधी को वहीं उसके हाथ पैर तोड़ देते, उस बच्ची की जान बचा लेते, लेकिन सबने खड़े होकर तमाशा देखा, उसका एकमात्र कारण यह है कि लोगों में इंसानियत खत्म होगी। क्या दिल्ली पुलिस दोषी नहीं है जिस तरीके का नशे का प्रचलन, क्यों नहीं दोषी है? पूरी मैं कह रहा हूँ बिना सरकार के संरक्षण के, बिना पुलिस के संरक्षण के कोई नशा नहीं चल सकता है, एक ग्राम नशा नहीं लेकर गुजर सकता कोई अगर पुलिस का संरक्षण ना हो तो। पुलिस को ये सोचना चाहिए कि अपने निजी स्वार्थ में, सब पुलिस वाले ऐसे, लेकिन जो पुलिस वाले ऐसा कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रही है। पीड़िता के पिता हमारे साथ हैं, मैं चाहता हूं वो क्या चाहते हैं आपको ये सुनना चाहिए। सवाल हो रहा है, महिला कुश्ती पहलवानों धरना चला, आप लगातार डटे रहे, तमाम राजनीतिक लोग लाए रोटियां सेकने, लेकिन क्या उन्हें इस बेटी के पास नहीं दिखी, क्या ये परिवार नहीं दिखा, आप तो पहुंच गए लेकिन क्या और लोग नहीं आ सकते? मैं एक चीज आपको बताना चाहता, मैंने कहना नहीं चाहता था लेकिन आपको सुनना चाहिए, कहीं किसी महिला के साथ घटना होती है तो पहले देखा जाता है वो किस समाज की है, उसकी जाति ढूंढ ली जाती है, और जब जाति ढूंढ ली जाती है अगर वो ऊंची जाति की हो, तथागत जो हिंदूवादी व्यवस्था यहाँ है, एक सेकंड सुन लो, तो फिर उसमें ढूंढा जाता है अपराधी किस जाति का है, अगर अपराधी कहीं सब कास्ट है या अपराधी कहीं आसपास है तो लोग चुप हो जाते हैं, अगर बेटी वंचित जाति की हो, दलित पिछड़ी जाति की हो तो फिर अपराधी ढूंढा जाता है किस जाति का, अगर पिछड़े या अपर कास्ट में होगा तो लोग चुप हो जाते हैं, मुस्लिम होगा तो फिर शोर मचाते हैं। मैं कह रहा हूँ अपराधी कोई जाति नहीं होती, वो मुसलमान हो, वो जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, कोई हो, अगर कोई किसी बच्चे से अपराध करता हो किसी जाति धर्म की हो, हम तो किस महल पहलवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, निर्भया की लड़ाई में किसने पूछा उसकी जाति क्या थी, हमने कभी कभी नहीं पूछा, हमारा एकमात्र मकसद ये है कि न्याय मिले, तो मैं चाहता हूँ कि बेटियों की जाति ढूंढना सरकारें बंद करें और न्याय के लिए जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली के गृह मंत्री कहाँ हैं बताए, क्या वो इस परिवार के पास जानते हैं, पैर धोना जानते हैं, इनके इनके बराबर बैठ के खाना खाने का दिखावा करते हैं, आज इस परिवार के आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ है गृहमंत्री, कहाँ है मुख्यमंत्री, कहाँ है प्रधानमंत्री, उनके सफाई कर्मचारी के बराबर बैठने वाले प्रधानमंत्री कहाँ है, क्या दिल्ली के दिल्ली में बेटियां दिखाई दे रही, ना पैरलान बेटियां दिखाई दी, ना बेटी दिखाई दी। तो सवाल यह है कि इस अमृत काल में बेटियों को न्याय कब मिलेगा, किसके लिए अमृत काल? हाँ। इस अमृत काल में दलितों की चमड़ी उधेड़ी जा रही है, कोई घोड़ी पे नहीं बैठ सकता, कोई मुछन रखता, कोई पानी नहीं पी सकता, किसी बच्चे को ये जो है आताताई जाके हत्या कर देंगे, उनको जो है काट देंगे, उनको मरने के बाद तक भी जो पीटते रहेंगे, कहाँ है कानून व्यवस्था, कहाँ है कौन सा अमृत काल जहाँ ताकतवर लोगों के संरक्षण में पुलिस खड़ी हो जाए, सरकार खड़ी हो जाए, कहाँ है कौन सा अमृत काल की बात है? में भी तो साक्षी को ही दोषी बता दिया गया, लव जिहाद का एंगल लगाकर साक्षी के ही चरित्र का हनन किया जा रहा है, ये तो सदियों से चला आ रहा है, जब हमें न्याय की, जब हमारे लिए न्याय की बात आती है जिन वर्गों में हम पैदा हुए तो फिर ये जाति का बैरियर भी लगता है और चरित्रहन भी होता है। इसका अगर उदाहरण देखना हो तो आप हाथरस को देखो कितनी अच्छी तरह चरित्रहन हुआ, हमें आदत हो गई है, मगर मैं अपने लोगों से भी कहना चाहूँ कब तक है, कंजावला केस भी आपको अगर याद हो, युवती के साथ कितने वीडियो वगैरह चलाए, सब चीजें किए, उस मामले को भी हम लोग लड़े, उनके परिवार से मिलने गया था ना, आपको याद होगा, कितना प्रयास किया गया कि उसको एक्सीडेंट दिखाया जाए, और पुलिस का क्या रोल था उसमें, कितने घंटे तक पुलिस ने फोन नहीं उठाया, 1 जनवरी देश जाग रहा था तब ये हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कितना हनन करोगे बेटे के चरित्र का, 9 दिन पूजते हो और बाकी 355 दिन उनकी खाल उतरती हुई देखते हो, क्यों चुप हो, तुम्हारी घर की बेटी ने, इसलिए ये गलत है, ये सोच ही गलत है, ये न्याय चरित्र, ये इंसानियत, ये धार्मिक वो हो ही नहीं सकता है, कोई धर्म नहीं सिखाता, अगर कोई धर्म ये सिखाता हो कि बेटियों के साथ ये करो, उस धर्म को भी आग लगा देनी चाहिए। हर मोर्चे पे ये याद रखो कि मैं, ये मेरा परिवार है जी, हर पीड़ित मेरा परिवार है, उनके लिए जो लड़ाई मैं लड़ सकता हूँ, तन मन धन और अपने खून के आखिरी कर्तव्य तक मैं उसको लड़ने का काम करूं। चंद्रशेखर, आर्थिक तौर पे पीड़िता का परिवार बुरी तरह से जूझ रहा है, इस पे क्या कर रहे हैं आप?
ये ताकत यहाँ की दिल्ली की सरकार ने हमारे लोगों ने वोट देके ऐसे नालायक लोगों को दे दी है जिनको ये दिखाई नहीं देता कि आम आदमी पार्टी इसके लिए जवाबदेही आपको मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि उस परिवार को कैसे मजबूत करेंगे। मैं अपनी तरफ से जो हमसे बन पाएगा, मैं मुख्यमंत्री की तरफ बड़ी सी घोषणा नहीं करूंगा, जो हमसे बन पाएगा और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इनके साथ खड़े रहेंगे। देखो इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर को, वो मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। मैं तो उनको बहुत अच्छे मुख्यमंत्री मानता हूँ, लेकिन वो मुख्यमंत्री जी को ये भी जवाब देना चाहिए। क्या आप कई घटना याद कर लो, कुछ घंटों मुख्यमंत्री वहां पहुंच जाते हैं, 4 घंटे 6 घंटे का होता, आज तक नहीं दिखाई दिया मुख्यमंत्री। सवाल होता है चंद्रशेखर जी, हमारे नेता एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मुआवजा जाति के आधार पे क्यों, किसी को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, किसी को 10 लाख का मुआवजा। कहां है महिला आयोग? क्या महिला आयोग आया? पूछो ना, महिला आयोग दिल्ली में ही है ना। जो महिला आयोग एक टिप्पणी पे जवाब मांगता आया? कहां है केंद्रीय महिला आयोग? कहां है महिला आयोग की हमारी अध्यक्ष का? क्या इस परिवार के आंसू दिखाई दी? वो बच्ची नहीं देश की बच्ची थी? नहीं, इस अन्याय का जवाब देखो कुछ दिनों में हमारे लोग इस, देखो एक कहावत है, किसी को इतना मत सताओ कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। आज जो अन्याय हम लोग सह रहे हैं, कल हमारे लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। मैंने इनको सुना, मैं तो इनको खोज रहा था, लेकिन कहीं दबी आवाज में कह रहे थे कि मेरा भाई आएगा मेरी मदद करने के लिए, वो मेरे आंसू पूछेगा। मैं वादा करता हूँ कि इनकी उम्मीदों को निराश नहीं करूँ। आपको इनसे पूछना चाहिए क्या चाहते हैं आपने कहा पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है यहाँ पर। पंजाब के एक कोई बाबा करके आए थे यहाँ पर, फर्जी चेक देकर 51,000 रुपए का चले गए हैं वो। तो यहाँ पर इस तरीके का भी स्टैंड चल रहा है, फर्जी चेक लगाकर लोग जा रहे हैं आर्थिक रूप में, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो जो जैसा होगा वो वैसा ही कर्म करेगा, ये मेरी उसमें नहीं है। और मैं किसी इन ऐसे लोगों के लिए जवाब दे नहीं हूँ। तमाम लोगों जो लोग महिला पहलवानों के धरने में पहुंचे राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, शेखर रावण आपसे मिलने आए, आपके साथ खड़े हैं, इन्होंने किस तरीके के सांत्वना दिए, अब आपको उम्मीद है कि अब तो न्याय बेहतर होगा क्योंकि चंद्रशेखर दरवाजे पर है? हाँ जी, मुझे भरोसा है कि अब मेरे साथ न्याय होगा और मुझे न्याय मिलेगा, मुझे नए भैया दिलवाएंगे, इन पे मुझे भरोसा है। इसके पहले ही मैंने इनको कहा था, भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मैं अपनी चीज़ें बतानी चाहता हूँ कि मुझे दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। और देश के तमाम बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, चंद्रशेखर रावण से ही उम्मीद क्यों है कि यही आएंगे तो बेहतर होगा? देखिए, जब कानून के सामने सब कुछ रखा गया है, सबूत भी है, गवाह भी है, सब कुछ है, तो फिर कानून किस कहाँ सो रही है? अब तक तो उसको फांसी दे देना चाहिए। काहे की मुकदमा कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, धारा कर रहे हैं, उसको क्या कागज तैयार कर रहे हैं, अब उनको क्या चाहिए? क्योंकि आंखों के सामने दिखाई नहीं दे रहा। आपको विश्वास है चंद्रशेखर आपके साथ इस लड़ाई तक खड़े रहेंगे? हाँ जी, मुझे विश्वास है, भरोसा करते हैं उन पे। हाँ जी, भरोसा करता हूँ। आप लोगों को क्या कुछ लग रहा है, कब तक न्याय मिलेगा? तमाम लोग आ रहे हैं, हिंदू विश्व परिषद के और जो हैं भीम आर्मी के चीफ भी आ चुके हैं यहाँ पे। चंद्रशेखर आज़ाद ने आश्वासन दिया है, और आप लोगों की क्या राय है? चंद्रशेखर आज़ाद को आपने सुना, अभी उन्होंने पूरी तरीके से आश्वासन दिया है कि हमारे वकील उनका केस लड़ेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम उनको छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम उनके साथ बने रहेंगे। आप लोग की पूरी खबर पे, पूरी बातचीत पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर